बैठने के लिए जो आसन होते हैं उनमें सुखासन है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, स्वस्तिक आसन है, वज्रासन है, गोमुखासन है। आसन तो कई होते हैं, अर्थात वो आसन जिसमें हम, आसन यानी मुद्रा, आसन यानी स्थिति, तो जिस स्थिति में हम स्थिरतापूर्वक बैठ सकते हो उस स्थिति का नाम है आसन। लेकिन ये आसन हमें सधेंगे कैसे कि व्यक्ति एक घंटे तक, दो घंटे तक, आधे घंटे तक या दो घड़ी अर्थात पौन घंटे तक स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक, कि जिसमें उसे कष्ट ना हो, कमर ना दुखे, पांव ना दुखे, ऐसी स्थिरता वाली स्थिति आएगी कैसे, निर्मित कैसे होगी, तो इसके इंतजाम के लिए ही अलग अलग तरह के योगाभ्यास, योगासन अतीत के महान ज्ञानी जनों ने अपन सब लोगों को बताए हैं, जिनमें सूर्य नमस्कार के रूप में 12 मुद्राएं अपने आप में विश्व प्रसिद्ध हैं, और इसके अलावा लेट कर किए जाने वाले आसन, बैठ कर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, इतने सारे आसन हैं। अब ये तो अपन देख लें कि अपने शरीर के साथ कौन कौन से आसन मुआफिक होते हैं, अपने शरीर को तौल करके। याद रखो, जीवन में चाहे धर्म हो, चाहे तपस्या हो, चाहे योग हो, अपने वर्तमान आरोग्य, अपने शरीर के वर्तमान बल, अपनी श्रद्धा, देश, क्षेत्र, काल, भाव, सभी परिस्थितियों के जितना जो अनुकूल हो उसके अनुरूप ही हमें योग को, तपस्या को, धर्म को या अन्य किसी भी कार्य को हमें अपनाना चाहिए। शरीर में ताकत नहीं है खड़ा होने की और कर दिए शुरू एक ही पहले दिन में 20 तरह के योगासन, तो वो योगासन हमारे लिए घातक हो जाएंगे। हमें जैसे कोई बच्चा एक ही दिन में चलना नहीं सीखता, धीरे 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 पहले बैठने लगता है, फिर गोडालिये चलने लगता है, फिर खड़ा होने लगता है, फिर चलने लगता है, फिर अंगुली थामने लगता है और फिर खुद अपने आत्मनिर्भर हो जाता है। ऐसे ही हमें भी आसन भी धीरे 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 धीरे, भले ही सारे आसनों को करने में अपने को एक साल का वक्त लग जाए उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जितने आसन किए जाएं वो हमारे जीवन के लिए प्लस होने चाहिए, ना कि उन्हें करने के बाद हमें लगे कि शरीर टूट गया, थक गया, हिला भी नहीं जाता, वो घातक है। जीवन को सरलता से जिया जाना चाहिए, सहजता से जिया जाना चाहिए और योगासन भी उतने ही करने चाहिए जो कि हमारे लिए सहज और सरल हो। जैसा कि अपने यहां पर अपन लोग कई तरह के आसन करते और करवाते हैं और नियमित रूप से प्रतिदिन अपन सभी लोग यहां पर योगासन करते हैं, जैसा कि मैंने अनुरोध कर रखा है कि 20 मिनट तक अपन सब लोगों को प्रतिदिन योगासन अवश्य करने चाहिए। करने वाले लोग एक एक घंटा करते हैं, पर अगर कोई व्यक्ति 20 मिनट भी योगासन नियमित रूप से करता है, 20 मिनट तक किया गया योगाभ्यास व्यक्ति के स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदपूर्ण शरीर के निर्माण के लिए काफी है। हां, अगर लगता है हमारे पास वक्त है, हमारे शरीर को और योगासन अनुकूल हैं, तो आप और भी ज्यादा कर सकते हैं। प्रश्न है कि जो हम योगासन करते हैं वो योगासन हमारे शरीर पर किस तरह से अपना प्रभाव डालते हैं। जो भी हम लोग योगासन करते हैं वे योगासन हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। अगर हम बीमार रहते हैं तो बीमार क्यों रहते हैं, क्या वजह है बीमार रहने की। पहली बात, जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि हमारा शरीर एक तानपुरे के तारों की तरह है जिसे कि हमें साधना चाहिए, न तो अति कसो न अधिक ढीला
छोड़ो, अधिक ढीला छोड़ दोगे तो मोटू साहब बन जाओगे, अधिक कसना शुरू कर दोगे कि खूब तपस्या पर तपस्याएं करनी शुरू कर दी है तो अस्थि कंकाल बनकर रह जाओगे। मैं मध्यम मार्ग का समर्थक हूं, अपने स्वयं के जीवन में भी मध्यम मार्ग को जीता हूं और अपने सभी साधक भाई बहनों के लिए भी मध्यम मार्ग का अनुरोध करता हूं। जीवन वीणा के तारों की तरह है, साधो। जीवन वीणा के तारों की तरह, इन्हें साधो। बुद्ध के मध्यम मार्ग से यह बात जरूर सीखो कि अगर बहुत ज्यादा कसोगे तो भी तुम्हारे लिए आत्मघातक है, और बिल्कुल ही ढीला छोड़ दोगे संसारी प्राणियों की तरह तो भी तुम्हारे लिए घातक है। साधक वह है जो जीवन की वीणा को साधता है, तारों को साधता है, जीवन की ज्ञान की प्रज्ञा की अंगुलियों को उन पर साधता है। योग परिणाम देता है, तो योग का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने अपने शरीर से मुखातिब होते हैं, अपने अपने शरीर को देखते हैं। योगासन जो किए जाते हैं, योगासनों का संबंध हमारी प्राण चेतना हमारी आत्मा के साथ सीधा संबंध नहीं है। योग का संबंध विशुद्ध रूप से हमारे शरीर के साथ है, शरीर स्वस्थ हो, यह योग का पहला और अंतिम उद्देश्य है। जब हम उसको योग को योगाभ्यास और योगासन के रूप में लेते हैं, इसलिए योग जब हम शरीर के साथ जोड़ते हैं तो हम कहेंगे योग स्वास्थ्य का पहला पायदान है। योग शारीरिक सुख का, शारीरिक समृद्धि का, शारीरिक चेतना का पहला आधार है। हम जुड़ते हैं अपने आप से और देखते हैं अब ये योग हमें कैसे परिणाम देता है। सबसे पहले जब हम अपने आप को देखते हैं तो त्वचा के भीतर हमें अनुभव होता है हमारी अपनी मांसपेशियां। तो जब भी कोई व्यक्ति व्यायाम करेगा, योगाभ्यास करेगा, तो पहला काम होगा और वो है उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, पुट्ठे मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे, पीठ की मांसपेशियां मजबूत होंगी, जंघा बैठक की मांसपेशियां मजबूत होंगी, पिंडलियां पगथलियां मजबूत होंगी। तो योग का पहला परिणाम है कि जिसकी वजह से हमारा शरीर सौष्ठवपूर्ण दिखाई देता है, मजबूत दिखाई देता है, उन मांसपेशियों को मजबूत करना योग का पहला परिणाम है। योग का दूसरा परिणाम शरीर के भीतर हम देखते हैं, वो है हमारा अस्थि संस्थान, हड्डियों का स्ट्रक्चर। जैसे किसी बिल्डिंग में आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है लोहे का, ऐसे ही हमारी इस काया में जो ये हमारी मांसपेशियों से भरी हुई एक मिट्टी का पुतला जो खड़ा है, हमारा चल फिर रहा है, इसको खड़ा रखने वाला आधार कौन है? हमारा अस्थि संस्थान, हड्डियों का कंकाल है ये शरीर। तो योग हमारी हड्डियों को कैसे परिणाम देता है? हड्डी को मोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता। हड्डी तो पत्थर की तरह सख्त होती है, लेकिन योग का परिणाम होता है दो हड्डियों के बीच में जो संधि है, जो गैप है, जो स्पेस है, उस स्पेस को दुरुस्त करना, उसके लचीलेपन को बनाए रखना, जोड़ों के जो हड्डियों के बीच में जो जोड़ हैं उन जोड़ों को दुरुस्त कैसे बनाया जा सकता है, उसमें लचीलापन कैसे रखा जा सकता है, योग का काम है उस अस्थि संस्थान के संधियों को दुरुस्त रखना। जैसे जैसे किसी इंसान की अगर हड्डी टूट गई हाथ की, तो डॉक्टर क्या करेगा? हड्डी को बांध करके सीधा रख देगा ताकि वो जुड़ जाए। जुड़ने के बाद वो क्या करेगा? जुड़ गई। जैसे अगर आप 35 साल की उम्र के हैं तो आपकी हड्डी जुड़ने में 35 दिन लगेंगे, और 35 दिन के बाद जब आप हाथ खोलेंगे देखेंगे आपका हाथ पूरा का पूरा लकड़ी की तरह सीधा अकड़ गया है,
अब लकड़ी के त्रय जो अकड़ गया है उसको वापस एक्टिव कैसे किया जाए, उसमें मूवमेंट कैसे दिए जाए, तो कहेंगे अब एक्सरसाइज। योगाभ्यास क्या है? एक्सरसाइज है। योगाभ्यास एक तरह की शारीरिक एक्सरसाइज है, शारीरिक व्यायाम है। तो धीरे 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 35 दिन लगते हैं टूटी हुई हड्डी को जुड़ने में, और वापस 35 दिन लगते हैं उस अकड़ चुकी हड्डी को वापस मूवमेंटेबल बनने में। पूरे 35 दिन लगातार एक्सरसाइज करोगे और सख्त एक्सरसाइज करोगे दिन में 10-10 दफा, तब कहीं जाकर के वापस हड्डियों में वो लचीलापन आएगा। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी योगाभ्यास नहीं करता, सुबह घूमने के लिए नहीं जाता, दिन भर कुर्सी पर बैठा रहता है बाबू साहब की तरह, वो व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। उसकी कमर धीरे धीरे अकड़ने लग जाएगी, उसको झुकते भी तकलीफ होगी, उसकी रीढ़ की हड्डी के मणिये सख्त हो जाएंगे, लचीलापन खत्म हो जाएगा। कि जैसे जानवर, जैसे गाय है, बैल है, वो अपनी कमर से झुक नहीं सकते हैं, वैसी हमारी हालत हो जाएगी। आजकल पहले जमाने में लोग सुबह उठकर अपने माँ बाप को प्रणाम करते थे, आजकल लोग प्रणाम नहीं करते हैं, सीधे सीधे खड़े होकर के प्रणाम कर लेते हैं। वो भी अगर आँख की शर्म है तो कर लेगा, थोड़ी और आँख की शर्म है तो घुटने तक ऐसे झुकेगा जैसे आहा कमर में चणक पड़ी हुई है। और आदमी से अगर वो झुक गया तो पीछे बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो झुकना तो इंसान ने सीखा ही नहीं, तो नहीं सीखोगे तो 18 साल की उम्र में झुकना सीख नहीं पा रहे हो, और 40 साल के होगे तब तक आप झुक ही ना पाओगे। गोडे दुखेंगे, घुटनों में दर्द होगा, कमर टूटेगी, पीठ अकड़ चुकी होगी, क्योंकि हड्डियां वैसे ही सख्त हो गई हैं। जैसे हड्डी टूट जाने पर 35 दिन में हाथ की हड्डी अमचूर की लकड़ी बन जाया करती है, वैसे ही हमारी हड्डियों की हालत हो जाती है। अस्थि संस्थान को लचीला बनाने के लिए रोजाना 20 मिनट योगासन करो, 20 मिनट तक घूमने के लिए जाओ, टहलने के लिए जाओ, पूरी गति के साथ शरीर में से पसीना बहाओ, इससे शरीर के विकार और दोष दूर होते हैं। अगर भगवान इस शरीर में छिद्र न बनाते, ऐसा मत समझिएगा केवल मल द्वार मूत्र द्वार यही छिद्र हैं, मुंह भी एक छिद्र है, नाक भी एक छिद्र है, कान भी एक छिद्र है।